जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। और आज हम सभी के लिए एक गौरव का पर्व है, क्योंकि भारत का जो चंद्रयान तृतीय है वो सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड हो चुका है। तो दोस्तों, हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कशन करेंगे चंद्रयान की पूरी डिटेल्स, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले, अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है दोस्तों, तो कर लीजिए। और टेलीग्राम के अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको ये बार कोड स्कैन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे इस पर्टिकुलर सेशन को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो चंद्रयान थ्री है, चंद्रयान थ्री चंद्रयान टू का एक फॉलोअप मिशन था, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। चंद्रयान थ्री इज अ फॉलो ऑन मिशन टू चंद्रयान टू टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द लूनार सरफेस। ये जो चंद्रयान थ्री इसरो के द्वारा बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। एक लैंडर एंड रोवर का कॉन्फ़िगरेशन लगाया गया है। आप सबको पता है कि जो चंद्रयान टू था ये विफल हो गया था, उसमें जो गलतियां की गई थी उनको यहाँ पे दोहराया नहीं गया है। इसे LVM द्वारा SDSC सार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया है, राइट? आप सभी जानते हैं श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और भारत के जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो लगभग यही सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किए जाते हैं, जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो इसका चंद्रयान थ्री का है, ये कैरी करता है लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन टिल 100 किलोमीटर लुनार ऑर्बिट। प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर के विन्यास को ले जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीमीट्रिक मापों का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नीप भार है। द प्रोपल्सन मॉड्यूल हैज स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, जिसे सेप कहा गया। सेप का फुल फॉर्म भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, SHPE, ठीक है? तो सेप का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। पेलोड टू स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम द लूनार ऑर्बिट, यानी सीधे सीधे चंद्रमा की सतह से पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेगा, चंद्रमा पर रिसर्च करेगा, चंद्रमा की सतह के बारे में जानेगा। चंद्रयान थ्री में जो लैंडर और रोवर जो नीत भार है उनको जो लगाया गया है, तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों चंद्रयान थ्री में लगाए गए लैंडर पेलोड की, यानी कि लैंडर नीति भार की। सो चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर, जो लैंडर पेलोड है ये तापी चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्र सतह पर ताप भौतिकी प्रयोग, जिसे चेस्ट कहा जाता है, इसे परफॉर्म करेगा। लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप के जो भी पर्टिकुलर मापने के लिए चंद्र भूकंपी गतिविधियां हैं उन्हें भी लैंडर पेलोड में लगाया गया है। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द लूनार सीज़मिक एक्टिविटी फॉर मेजरिंग द सीज़मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट। आप सबको पता है चंद्रयान टू के फेल होने का सबसे बड़ा कारण था चंद्रमा पर जो सीज़मिक एक्टिविटीज हुई थी। इसके अलावा जो लैंडर पेलोड है, लैंडर पेलोड में प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगमुइर जांच ये भी परफॉर्म किया जाएगा। लैंगमुइर प्रोब टू एस्टिमेट द प्लाज्मा डेंसिटी एंड इट्स वेरिएशंस। और इसके अलावा नासा ने एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेजिंग अध्ययनों के लिए समायोजित किया गया है। अपैच्यू लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे फ्रॉम नासा इज अकोमोडेटेड फॉर लूनार लेजर रेंजिंग स्टडीज। अब लैंडर पेलोड के बाद दूसरा है जिसे बोला गया रोवर पेलोड, रोवर नीति भार। सो दोस्तों, लैंडिंग साइट के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर को लगाया गया है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर डिराइविंग द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन इन द विंसिटी ऑफ लैंडिंग साइट। ये कहां पर है? रोवर पेलोड में। सो दोस्तों, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं चंद्रयान थ्री के मिशन के बारे में, सो द मिशन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है चंद्रयान थ्री के। तो सबसे पहला जो उद्देश्य आ जाता है, चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। चंद्रयान टू
लैंडिंग के समय सीज्मिक एक्टिविटीज के कारण विफल हो गया था। टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 का। दूसरा, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। और तीसरा है टू कंडक्ट इन सिचु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना। ये तीन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं इस चंद्रयान 3 मिशन के। इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं, जैसे एल्टीमीटर। तो दोस्तों, ये लेजर और आरएफ बेस्ड एल्टीमीटर है, लेजर और आरएफ पर आधारित एल्टीमीटर लगाया गया है। वेलोसीमीटर, वेलोसीमीटर ये लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर है और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा भी है। इनर्शियल मेजरमेंट, लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सेलेरोमीटर पैकेज, ये इनर्शियल मेजरमेंट के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रोपल्सन सिस्टम, 800 न्यूटन थ्रोटेबल लिक्विड इंजन, 58 न्यूटन एल्टीट्यूड थ्रस्टर्स एंड थ्रोटेबल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। 800 न्यूटन का थ्रोटेबल लिक्विड इंजन, 58 न्यूटन का एल्टीट्यूड थ्रस्टर्स और थ्रोटेबल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोपल्सन सिस्टम के तौर पे उपयोग किया गया है। नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल के लिए जो पावर्ड डिसेंट प्रोजेक्टरी डिजाइन और सहयोगी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा हाजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस, खतरे का पता लगाना और बचाव के लिए लैंडर में कैमरा और जो भी एल्गोरिथम है, प्रोसेसिंग एल्गोरिथम को लगाया गया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लैंडिंग लेग मैकेनिज्म, जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है तो लैंडिंग लेग में ऐसी मैकेनिज्म को लगाया है कि वो सॉफ्ट तरीके से वहां लैंड कर सके। इन सारी चीजों के द्वारा इस पर्टिकुलर उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा, यानी चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, ये जो सारे के सारे सिस्टम लगाए गए थे, जो भी उपर्युक्त उन्नत तकनीकों को लगाया गया है, उनको सबसे पहले पृथ्वी पर टेस्ट करके देख लिया गया था, यानी लैंडर विशेष परीक्षणों की योजना बनाई गई थी और उसका सफलतापूर्वक कंडक्शन भी किया गया था, तब जाके इस पर्टिकुलर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इनमें सबसे पहले आप देखिए तो इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट, एकीकृत शीत परीक्षण, ये किस लिए किया जाता है? फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सेंसर्स एंड नेविगेशन परफॉर्मेंस टेस्ट यूजिंग हेलीकॉप्टर एज टेस्ट प्लेटफॉर्म। परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में हेलीकॉप्टर का उपयोग करके एकीकृत संवेदक और नौवहन प्रदर्शन परीक्षण का प्रदर्शन। इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट, यानी कि एकीकृत हॉट परीक्षण, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लोज लूप परफॉर्मेंस टेस्ट with sensors, actuators and NGC using tower crane as a test platform. Tower crane का परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करके जो संवेदक हैं, एक्चुएटर्स हैं और NGC हैं, इनके साथ बंद लूप में परीक्षण का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही थी, लैंडर लेग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस टेस्ट है लूनार सिमुलेंट टेस्ट बेड सिमुलेटिंग डिफरेंट टच डाउन कंडीशन में किया गया। लैंडर लेग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस परीक्षण एक लूनार सिमुलेंट परीक्षण बेड पर विभिन्न टच डाउन स्थितियों का अनुकरण करके टेस्ट किया गया, सो दैट वहां पे किसी भी तरीके की जो सिचुएशन है उसे वो हैंडल कर सके। ये सारे के सारे जो पर्टिकुलर टेस्ट है परफॉर्म किए गए थे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों चंद्रयान 3 के मास की, एग्जाम में कई बार इसको लेकर के क्वेश्चन बने हैं, द्रव्यमान को लेकर के पूछ लिया जाता है कितना है। तो दोस्तों जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ना, प्रणोदक मॉड्यूल, इसका वजन है 2148 किलो, राइट, 2148 केजी। तो लैंडर मॉड्यूल है, इसका वजन है 1752 केजी, 1752 केजी इंक्लूडिंग द रोवर ऑफ 26 केजी। 26 किलो के रोवर को शामिल करके 1752 किलो का लैंडर मॉड्यूल है। टोटल अगर देखें तो दोस्तों 3900 किलोग्राम है चंद्रयान 3 का वेट। और यहाँ पे दोस्तों चंद्रयान 3 का जो पर्टिकुलर लॉन्च है वो कुछ इस तरह से किया जाएगा। देखो यहाँ से जब पृथ्वी से लॉन्च होगा तो पहले तो ये अर्थ के ऑर्बिट में जाएगा, अर्थ के ऑर्बिट से जब इसका इंजंक्शन होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका चंद्रमा के ऑर्बिट में इसका इंसर्शन होगा, फिर धीरे धीरे ये लूनार के ऑर्बिट में डाउन करता हुआ यहाँ पर
लैंड करेगा, ठीक है। कहां? सो इसका जो साउथ पोल है, चंद्रमा का जो साउथ पोल है, यहां पर ये लैंड करेगा। कुछ इस तरह से ये मैकेनिज्म परफॉर्म होगी। आप यहां पर इन डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर अगर आप देखें, यहां पर तो ये चंद्रयान थ्री है, चंद्रयान थ्री पृथ्वी से लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद अर्थ के ऑर्बिट में था, अर्थ के ऑर्बिट से ये चंद्रमा के ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया, और चंद्रमा के ऑर्बिट में इंसर्ट होते होते ये चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। कुछ इस तरह की मैकेनिज्म को परफॉर्म करके चंद्रयान थ्री को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो चंद्रयान थ्री है, चंद्रयान थ्री की कॉस्ट कितनी है, यानी इसरो ने कितना पैसा खर्च किया है चंद्रयान थ्री को बनाने में। तो जो चंद्रयान थ्री है ये एक इंडिकेशन है, जो भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है इंडिया का अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन के थ्रू जो स्पेस रिसर्च है, तो इसमें लगभग 615 करोड़, यानी 615 करोड़ रुपए के आसपास का जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है ये चंद्रयान थ्री का आया है। इसके अलावा सर्टेन फैक्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों चंद्रयान थ्री से रिलेटेड, तो इसरो ने चंद्रयान थ्री को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा से, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से किया गया था। और फाइनली चंद्रयान थ्री ने चंद्रमा पर 23 अगस्त को लैंड किया, जो कि साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग हुई, और इस तरह से चंद्रयान थ्री का मिशन सफल रहा और भारत के लिए एक गौरवशाली पल इसरो ने दिया। और भारत ने चंद्रयान थ्री की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के लिए आज पूरा देश इसरो को बधाई दे रहा है। भारत में एक चीज हमें हमेशा से सिखाई गई है कि अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उनका पुनः उपयोग भी करें। जैसे जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके तीन हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार हम चंद्रयान 3 जो भेजे हैं उसमें ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से मौजूद है और हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार की बच गई है। साथ ही साथ इसरो ने इस बार सबसे ज्यादातर काम इन हाउस करे हैं, यानी काफी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लिए हैं, जिससे इस मिशन की लागत हमें बहुत कम पड़ी है। दोस्तों आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। चंद्रयान 3 के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो हमने कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको सारे के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।